हमारे हम साय मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप इंडिया को क्या चीज़ देना पसंद करेंगे, उनसे क्या चीज़ लेना चाहेंगे? मोदी इज अनस्टॉपेबल। हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। तो चाहता है कि पाकिस्तान में इंतजार हो, लेकिन मुसलमान का एक ही कीता है कि हम सब एक हैं। अब चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले लो और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे। Exactly, that's what we want, yeah. आपको लगता है नवाज शरीफ इतनी वर्थ रखता है कि उसके बदले में हमें कश्मीर मिल जाएगा? वर्थ तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं रखते, बट आई थिंक because we just want to get rid of him. बैंक की रिपोर्ट है और उनका कहना है कि पिछले 50 साल की अगर महंगाई देखी जाए वो एक तरफ है, और इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो पिछले 50 सालों से ज्यादा नजर आ रही है। So we have, to be honest, we have no match for India. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए और करने पड़ेंगे। ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। अगर हिंदू जो है वो हुक्मरान वो ये समझ जाएं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती पैदा करें, तो एक दूसरे की तजारत होगी, हमारे लोग भी उधर जाएंगे, उनके भी लोग इधर आएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो प्रकार की वीडियो क्लिप आपको देखने को मिलेगी। पहली जो वीडियो आप देखने वाले हो ना, वो है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, जहां पर पाकिस्तानी पब्लिक से एक सवाल किया जा रहा है कि अगर आपको एक चीज़ भारत को देनी है और दूसरी चीज़ अगर आपको भारत से लेनी है तो आप क्या लेना और क्या देना पसंद करोगे, तो मज़ेदार रिएक्शन है। दूसरा जो खबर निकल कर आ रही है वो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमेरिकी अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बातें बताई हैं ना, वो पूरी दुनिया के अंदर इस समय वायरल है, तो इसी को लेकर बात हो रही है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हम साय मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे और बदले में क्या लेना चाहेंगे? आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी हम बहुत हार्मनी और पीस वाले लोग हैं, सो हम लोग मोहब्बत और प्यार ही देना चाहेंगे। और हम उनसे क्या लेना चाहेंगे, वो जो हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं कश्मीर, हम कश्मीर उनसे लेना चाहेंगे, दैट्स इट। और आप? ओके, बिकॉज आई एम इनटू आर्ट्स फील्ड हमेशा से, तो आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनकी उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम somehow उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख। चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप इंडिया को क्या चीज़ देना पसंद करेंगे, उनसे क्या चीज़ लेना चाहेंगे? I think without a second thought, I would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back. Yeah, please take Nawaz Sharif away from us. मतलब आप चाहती हैं कि इंडिया नवाज शरीफ ले लो और कश्मीर उसके बदले में हमें दे दे? Exactly, that's what we want, yeah. आपको लगता है नवाज शरीफ इतनी वर्थ रखता है कि उसके बदले में हमें कश्मीर मिल जाएगा? वर्थ तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं रखते, बट आई थिंक because we just want to get rid of him, so I mean वो free में भी लेंगे तो हम दे देंगे आंखें बंद करके। यानी उसके बदले में तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला, चले फिर हम we will fight for Kashmir and then we'll have the Kashmir back. अच्छा, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर का ही मसला है जिसकी वजह से दोनों मुल्क जो है आपस में ट्रेड नहीं कर पा रहे, हमारी बन नहीं पा रही, तो आपको लगता है कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? आई थिंक सो, डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज आप यू कैन नॉट वर्क वाइल यू नो you cannot stand alone and work, so if you want to prosper you have to work together, you have to work as a team, so probably I mean definitely agar Pakistan wants to prosper, because India has probably 50 years ahead of us, so we have to be honest we have no match for India. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी तरह तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें अपने जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए और करने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर इज नो होप। कि अगर हमारे हमसाय मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो, तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है, अपने लिए लूंगी मैं उनसे, और दे मैं उनको यहाँ का इमरान अब्बास दूंगी, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। और आप? नवाज शरीफ दे दूंगी उनको। और लेना क्या? कुछ खास नहीं। अच्छा, कभी अगर लाइफ में इंडिया जाने का मौका मिले, हमारी अगर आपस में दोनों मुल्कों में सुलह सफाई हो जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो क्या इंडिया जाना पसंद करेंगी? नहीं, क्यों? दिल नहीं करता, अपना पाकिस्तान है तो सही।
अभी आपको इंडिया का कल्चर भी अट्रैक्ट कर रहा था? नहीं, मैंने कहा था कि उनका कल्चर डिफरेंट है, मतलब उनका जो कल्चर है वो हमारे पाकिस्तान में आ गए, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद है। मोदी इज अनस्टॉपेबल, ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज़वीक ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। और न्यूज़वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज़वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये टाइटल है न्यूज़वीक के इस इंटरव्यू का, 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज़वीक के ना सिर्फ CEO वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस, तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है, और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। वन बाय वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज़वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज, और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते, आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया, एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने दोनों प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, बात करें पहले वाली वीडियो क्लिप को लेकर, तो जहाँ पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं, जो पब्लिक हैं, उनसे एक सवाल किया जा रहा है कि अगर आपको भारत को एक चीज़ देनी है और भारत से एक चीज़ लेनी है ना, तो आप क्या देना और क्या लेना पसंद करोगे? तो यहाँ पर जो ना देखे ज़्यादातर पाकिस्तानियों का वही रटा रटाया है कि हमको कश्मीर चाहिए, हमको कश्मीर चाहिए। अब इनके देश के हालात किस प्रकार के हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनका जो दिमाग है ना, वो कश्मीर को लेकर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि हालांकि ट्रेड को लेकर कोई बात करे, या रिश्ते सुधारने को लेकर अगर कोई बात करनी चाहिए इनको, या इनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाए, ताकि ट्रेड हो, लोग आए जाए, इस प्रकार की बातें अगर ये करते, हालांकि इसमें भी भारत चाहेगा या ना चाहेगा, भारत सरकार चाहती या ना चाहती, वो एक अलग बात है, लेकिन इनको इस प्रकार की बातें तो करनी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार की बातें भी नहीं करते हैं। इनको सिर्फ वही रटा रटा है कि हमको कश्मीर चाहिए, अगर कश्मीर नहीं मिलेगा तो हम कश्मीर के लिए फाइट करेंगे, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, तो इसी प्रकार की बातें यहाँ पर हो रही थी। इसके अलावा जैसा कि पाकिस्तान की पत्रकार है आलिया शाह, वो इस वीडियो के अंदर बता रही, जो अमेरिकी अखबार को जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, वो भारत की ग्रोथ को लेकर यहाँ पर बातें बताई हैं। उन्होंने बातें की है कि किस प्रकार से आज भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है, और आने वाले समय में भारत के क्या क्या गोल है, भारत किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, वो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, तो उसी को लेकर चर्चा हो रही थी। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।